हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल बैंकर सक्सेस में। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज अपने बात करने जा रहे हैं RRB PU मेंस 2018 की जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी स्टेट की, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर इस कट ऑफ के अंदर देखिए, हम एग्जैक्ट बात नहीं कर सकते, या तो कट ऑफ एक दो नंबर ऊपर रहती है, एक दो नंबर उससे नीचे चली जाएगी। हम एग्जैक्ट कभी भी कट ऑफ नहीं बता सकते कोई भी। अगर देखिए 80 कट ऑफ जा रही है तो हम ये बता सकते हैं कि 82 से 78 इसके बीच में रह सकती है, 76 भी जा सकती है और 84 भी जा सकती है। यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब यही होता है कि एक या दो नंबर या ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, उसके बीच में आ सकती है। एग्जैक्ट नंबर भी कई बार आ जाता है, जैसे SBI कलरा के अंदर हमारी कट ऑफ का जो वीडियो था, लगभग कट ऑफ जो सेम थी या 0.5 या एक नंबर का ही फ़र्क उसके अंदर देखने को मिला था, इससे ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं था। अब ये कट ऑफ जो अपने बात कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे अटैम्प्ट 135 हो गए थे, 140 थे, हमारे एक दोस्त था उसका अटैम्प्ट 165 था, हमारा एक दोस्त था उसका अटैम्प्ट 175 था, और आप जो कट ऑफ बता रहे हैं वो तो उससे बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पे जीक के था ना, वो सभी के साथ धोखा करके गया और उन्होंने लोग तुक्का लगा के, जीक के और कंप्यूटर के अंदर मोस्टली लोग तुक्का लगा के आए हैं। जो 145 या 135 करके आए हैं ना, वो उनकी एक्यूरेसी आप देखना कितनी है, 40% भी एक्यूरेसी नहीं है उनकी। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनकी एक्यूरेसी होगी, मोस्टली स्टूडेंट तुक्का लगा गए हैं, क्योंकि जीके साहब वो मार्च अप्रैल लगा गया, सभी ने पढ़ा जुलाई अगस्त का था, तो उसके अंदर स्टूडेंट को क्या था कि हमारा पेपर पास होगा नहीं, अटैम्प्ट तो करने पड़ेंगे, तो फिर अपने मन से तुक्के लगा दिए। तुक्के आपको पता है कितने सही होते हैं, फिर किसी किसी के किस्मत वाले के सही हो जाते हैं, बाकी तुक्के किसी के सही नहीं होते। अब चलिए अपने बात करते हैं, सबसे पहले अपने बात करेंगे जो RRB PU मेंस 2017 की जो कट ऑफ रही थी, यानी अपने उस कट ऑफ की बात करेंगे, जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो उसी हिसाब से रहेगी। रीजनिंग की जो कट ऑफ थी, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो 6.5 नंबर थी लास्ट ईयर, इस बार रीजनिंग थोड़ा सा ईजी था, हो सकता है थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर चली जाए, यानी 7 या 8 नंबर तक रीजनिंग की कट ऑफ जा सकती है, सेक्शनल इससे ऊपर नहीं जाएगी, 10 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी। कंप्यूटर की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर थी 19.50 नंबर, इस बार ये कट ऑफ यहीं पर रहने की उम्मीद है, 17 से 19 के बीच में रहेगी, इससे ऊपर या नीचे नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर था ज़्यादा हार्ड था इस बार, तो कट ऑफ जो है वो 17-18 इसी के बीच में रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर हार्ड नहीं सक कह नहीं सकते क्योंकि हार्ड तो थी ना। उसके अंदर क्या था कि जो क्वेश्चन थे वो घुमा के दिए हुए थे, जिनका बेसिक क्लियर वो आराम से कर गए, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं था, जिन्होंने सिर्फ पढ़ा हुआ था किताबों से, उनके फिर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए, तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात इतनी जाएगी। जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ 10 नंबर लास्ट ईयर थी, इस बार हो सकता है इससे कम जाएगी कट ऑफ, ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि जीके के अंदर आपको सभी को पता है जो एग्ज़ाम दे के आए कितने अटैम्प्ट हुए, किस तरह से अटैम्प्ट हुए, तो उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंग्लिश की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 1.75 नंबर, यह लगभग इतनी जाएगी। हिंदी की कट ऑफ थी 19.75, ये लगभग इतनी जाने की उम्मीद है, 19.75 या 18 हो सकती है, 21 हो सकती है, बस इसके बीच में रहेगी। क्वांट एप्टीट्यूड कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 4.75, ये थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है कट ऑफ, क्योंकि क्वांट इजी था और के मुकाबले, तो ये थोड़ी सी कट ऑफ अपनी 5, 6 या 7 नंबर तक जा सकती है। तो ये थी अपनी सेक्शनल कट ऑफ की बात। अपने बात करते हैं सभी स्टेट वाइज, जो जो स्टेट के अंदर अपना वीडियो चलता है वहाँ वहाँ की अपनी बात करेंगे। अगर किसी भी स्टेट से कोई है जो अपना वीडियो देखता है या उसका स्टेट इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया, तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसकी कट ऑफ अलग से आपको बता दूंगा। हरियाणा की बात करते हैं सबसे पहले। अब देखिए दो ही प्रेडिक्शन लिए मैंने यहाँ पे, कोई भी वैकेंसी से मतलब नहीं है मेरे को, कोई भी और कुछ अटैम्प्ट से मतलब नहीं है। मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइबर हैं उनसे बात हुई है, और सोर्स से उन्होंने जहाँ से डाटा प्राप्त किया उसके हिसाब से अपने कट ऑफ बना रहे हैं। हरियाणा की अगर कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर की 81.44 थी, ठीक है, इस बार अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो वो 95 से 99 नंबर के बीच रह सकती है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि सर 95 एग्जैक्ट रहेगी, यहाँ पे देखिए 92 भी आ सकती है और 101 भी जा सकती है, इसीलिए प्रेडिक्शन किया है, इसीलिए बोलता हूँ कि जो आप बोलते हैं सर आपने कटाया कट ऑफ जो बताई वो आई नहीं, तो आपको पता ही नहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती क्या है, तो आपको क्या पता लगेगा किसी आई। चलिए अगले नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, पंजाब की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पंजाब की 90 से 95 नंबर के बीच। अब कोई पंजाब से 135 करके आया, 140 करके आया, फ़ायदा ही नहीं है उसका, एक्यूरेसी है नहीं, कट ऑफ इतनी जानी है जी। HP की बात करें हिमाचल प्रदेश की, लास्ट ईयर की कट ऑफ 77.44 थी, इस बार की कट ऑफ 88 से 94 नंबर के बीच रहने की उम्मीद है। यूपी की बात करें, लास्ट ईयर कट ऑफ 78.03, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 82 से 87 नंबर के बीच में रहेगी। MP की बात करें, मध्य प्रदेश की, लास्ट ईयर 2017 की जो मेंस की कट ऑफ थी 82.81, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात अपने करें तो वो रहेगी जी 95 से 98 नंबर के बीच में कट ऑफ जा सकती है इस बार। बिहार की बात करें, लास्ट ईयर 81 कट ऑफ थी, इस बार थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी वहाँ पे कम थी, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसलिए वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, क्योंकि
मैथ रीजनिंग के अंदर लोग बढ़िया स्कोर करके आए इस बार। मान लीजिए कंप्यूटर जीके के अंदर नहीं हो, पर मैथ रीजनिंग के अंदर लोग 30-30 क्वेश्चन करके आए हैं, आराम से हो गए थे। और हिंदी के अंदर भी लोग अच्छे करके आए, तो अपने कट ऑफ मान सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिहार की 85 से 90 नंबर के बीच में। ये झारखंड की, अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ झारखंड की बात करें तो 79 थी, तो इस बार 85 से 89 के बीच रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ की बात करें, 73 कट ऑफ, इस बार जिसकी कट ऑफ है वो 80 से 85 नंबर के बीच रहने की उम्मीद है छत्तीसगढ़ स्टेट से। गुजरात की अगर बात करें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ 75 थी, एक्सपेक्टेड इस बार की कट ऑफ है वो 80 नंबर के करीबन रहेगी, 80 82, 78 78 से लेकर 80 82 85 तक कट ऑफ जा सकती है, इससे ऊपर कट ऑफ गुजरात की नहीं जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें, लास्ट ईयर की कट ऑफ 69 थी, इस बार की कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, 75 से 82 के बीच में जा सकती है कट ऑफ, 75 से 82 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। कर्नाटका की बात करें, 55.19 कट ऑफ थी, इस बार हो सकता है 60 चली जाए, 60 या 65 या 58, इससे ऊपर या नीचे कट ऑफ जाने की उम्मीद ही नहीं है, 65 से ऊपर जाएगी नहीं कर्नाटका की। एपी की बात करें, आंध्र प्रदेश की, तो लास्ट की कट ऑफ 65.18 थी, इस बार थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है कट ऑफ, 66 से 70 नंबर के बीच आंध्र प्रदेश के अंदर कट ऑफ जा सकती है। तमिलनाडु की बात करें, लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 2017 की 57.19। मेंस की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, अपने फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रही हैं, यानी मेंस की जो कट ऑफ थी पेपर हुआ था उसकी बात कर रही हैं, तो इस बार थोड़ी सी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, 60 से 66 नंबर के बीच में जा सकती है। तो ये था अपना RRB PU मेंस स्टेट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैंकिंग प्रिवेशन से जुड़े हर प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।